लखनऊ के पकवान में मैं हूँ आपकी शेफ परीहा। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी जिंगर बर्गर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनेगा। ये झटपट सी रेसिपी है, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए बिल्कुल वैसे ही एज इट इज। इंग्रेडिएंट्स आप लोग लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हाफ के जी चिकन, बोनलेस चिकन है, इसको आप पार्चे करवा लीजिएगा इस शेप में। लहसुन पाउडर है ये 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, सिरका हाफ प्याली मैंने ली है क्योंकि मुझे इसमें अच्छे तरीके से सिरके में मैरिनेट करना है। एक अंडा है फ्राइंग के लिए, कोडिंग के लिए, और मैदा। तो चलिए व्यूवर्स हम आपको बताते चलें, अभी हम इसको मैरिनेट करके रखना है हमें। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है, सोया सॉस, रेड चिली पाउडर, और ये हाफ प्याली सिरका है, मुझे इसमें पूरा डाल देना है। मैं इसको सबको इसमें मैरिनेट करके रखूंगी, सिरके में अच्छे तरीके से डिप हो जाने चाहिए ये चिकन के पीसेस। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर दिया है, ये हम डिप करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं और अब आपको बताते हैं कि इसको फ्राई कैसे करना है। आधा घंटा हो गया है मैरिनेट हुए हुए चिकन को, ये देख लीजिए इसकी शक्ल। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये अंडा है, मैंने इसमें एक चुटकी नमक और काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। अच्छा मैं आपको एक टिप्स बताती चलूँ कि अंडे में हम किसी भी चीज़ की अगर कोटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अंडे में आप 2 से 3 चम्मच पानी मिलाएं, इससे अंडे की कोटिंग बहुत अच्छी होती है और क्रिस्पी बनती है हर चीज़। कोई भी फ्राई वाली चीज़ हो जिसमें आपको अंडे की कोटिंग करनी हो, इसका बैटर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है पानी मिलाने से। ये एक टिप्स है, बहुत ज़बरदस्त इसको ये क्रिस्पी बनेंगे हमारे जिंगर। चलिए ठीक है, इसको हमने फेंट लिया है। ये कॉर्नफ्लोर है, ये बर्फ़ वाला पानी है, देख सकते हैं इसको, बिल्कुल बर्फ़ डली हुई है इसके अंदर मैंने लिया है। और ये मैदा है, मैं आपको कोडिंग करने का तरीका बताती हूँ। ये बर्फ़ वाला पानी मैंने किस मकसद से रखा है ये देखिए। मैं इसका एक पीस उठाऊँगी, इसको पहले कॉर्नफ्लोर में लगाऊँगी। ठीक है, इस तरह से आपने कोडिंग की, अंडे में डिप किया इसको, और ये हमने मैदे में डाल दिया अच्छे तरीके से। मैदे में आप इसको ज़बरदस्त तरीके से कोडिंग कर लेंगे, दबा दबा के इस तरह से कीजिएगा। जो असल रोस्ट होता है या जिंगर बर्गर होता है उसमें जो एक लेयर आती है ना हमारे ब्रेड क्रम्स की, वो इसी तरह से आती है। उसमें ब्रेड क्रम्स नहीं होता है, ये मैदा होता है जिसकी हमें हम समझते हैं कि बहुत मोटी मोटी जो रेस्टोरेंट स्टाइल में जो रोस्ट बनता है या जिंगर बनता है तो उसकी एक लेयर आती है। इसको आप ऐसे ऐसे इसको अगर रगड़ेंगे, ये देखिए मैं आपको बताती चलूं, इसको ऐसे ऐसे आपने रगड़ना है, अच्छे से इसको रगड़ते जाएं और मैदा इसके ऊपर डालते जाएं, अच्छे तरीके से इसको रगड़ते जाएं और मैदा इसके ऊपर डालते जाएं। ये हो गया है, बस इसको मैं बर्फ वाले पानी में सिर्फ डिप करूंगी और निकालूंगी, ये देखिए। बस इस तरह से करके फिर मुझे इसके ऊपर मैदा डालना है, अच्छे तरीके से इसकी मैं कोटिंग करूंगी। इस तरह से आपको रगड़ना है, रगड़ते जाएंगे और इसको करते जाएंगे। ये देखिए इसकी शक्ल, इस तरह से ये होना चाहिए। अब मैं इसको फ्राई पैन में डाल देती हूँ कढ़ाई में तलने के लिए। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। हम आ जाते हैं, दूसरा पीस उठाते हैं, अब उसको भी इसी तरह से करते हैं। ये देखिए ये दूसरा पीस उठाया मैंने, पहले कॉर्नफ्लोर में लगाइए इसको, फिर अंडे में डिप करना है और उसके बाद मैदे में डिप करना है। मैदे में कोट करने के बाद अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी, बिल्कुल अच्छे से।
दबा दबा के इसको मैदा हमें भर के लेना है ताकि ये इजीली हम इसकी कोटिंग कर सकें। ये देखिए कोटिंग करने के बाद बर्फ़ वाले पानी में इसको सिर्फ डिप करूँगी और निकालूँगी मैं, और फिर अच्छे तरीके से इसकी मुझे कोटिंग करनी है। कोटिंग मैं आपको बिल्कुल वाजे दिखाती चलूँ, आप इस तरीके से ही करेंगे रगड़िएगा इसको, आप अगर रगड़ रगड़ के नहीं करेंगे आपकी शक्ल रेस्टोरेंट वाली शक्ल नहीं आएगी। जो बाज़ार में मिलता है रेस्टोरेंट जैसा मिलता है, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि वो उसकी शक्ल ऐसी क्यों आती है, हम जो घर में बनाते हैं वो उस तरह से नहीं होता है। तो मैं ये टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप रगड़ के करेंगे तो इसकी शक्ल देखिए इस तरह से होगी। ये देखिए मैं इसमें तीसरा पीस डाल रही हूँ। इसी तरह वन बाय वन सारे पीसीस को हम इसी तरह से करते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर में डालिएगा, अंडे में डिप कीजिएगा और उसके बाद मैदे में डिप कीजिएगा। मैदे में डिप करने के बाद उसको अच्छे से हमें प्रेस करना है। प्रेस कर करके अच्छे सी कोटिंग करनी है हमें मैदे की, और फिर हम उसको बर्फ़ वाले पानी में सिर्फ डिप करके फौरन निकालना है, और फिर मैदे में हमें डिप कर करके और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें इस तरीके से करनी है लगड़ लगड़ के इसको, तो आपकी बिल्कुल ब्रोस जैसी शक्ल निकलेगी। व्यूअर्स हमारा यहाँ पे देखें, ये हमारे जिंगर बर्गर के लिए हमारी ये चिकन फ्राई हो रही है। देख सकते हैं आप इसकी शक्ल, बहुत ज़बरदस्त शक्ल आ रही है। ये वन साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसको टर्न करती हूँ। इतने में मैं जब तक मेरा वहाँ पे ये चिकन फ्राई हो रही है, ये मायोनीज लेती हूँ मैं, इसको आपको एक सॉस बनाना बताती हूँ जो जिंगर बर्गर में डलती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये सॉस होती है, इसके साथ हम खाते हैं इसे। वन पिंच लूँगी मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, वन पिंच गार्लिक पाउडर है, और ये मैं थोड़ा सा केचप डालूंगी इसमें। ये मैंने इसमें केचप डाल दी है, अब मैं इसको सबको मिक्स करूंगी। गार्लिक पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी मैं इसमें, ये क्रीमी सा सॉस बन जाएगा हमारा, बहुत टेस्टी है ये सॉस हमारा। इसको मैं आपको बताती हूँ जब मैं असेंबलिंग करूँगी बर्गर की तो उसके अंदर भी डालूँगी। ये देखिए डन हो चुका है, ये हमारे जिंगर जो हैं एक साइड से हमने गोल्डन हो गए, अब हम इसको टर्न कर रहे हैं। बहुत प्यारा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है ये। बहुत ज़बरदस्त कलर के ये बन रहे हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखिए ये हमारे ब्रोस जिंगर जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बर्गर की असेंबलिंग करते हैं। मायोनीज लगाते हैं इस पे। मैं यहाँ पे आपको तीन बर्गर तैयार करके बता रही हूँ। ये देखिए हमने यहाँ मायोनीज लगा दिया है। मायोनीज डालने के बाद ये मैंने बंद गोभी कट करके रखी हुई है बिल्कुल बारीक, इसको डालूंगी मैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि किसी को पसंद आती है किसी को नहीं। अच्छा मैं इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि ये गर्म है अभी, तो इससे थोड़ा सा क्रिस्पी और ज़बरदस्त चटपटा बनेगा।
हमारा जो जिंगर बर्गर है ये चटपटा बनेगा। ये हर कोई नहीं डालता है, लेकिन आप इसको डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होगा इससे। केचप डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस है ये, और जो मैंने ये बैटर बनाया हुआ था इसका सॉस जो है ये डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉस है ये, वाइट सॉस। और ये हमारे जिंगर रेडी हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारे जिंगर बर्गर, क्रिस्पी जिंगर बर्गर रेडी हो चुके हैं। ये हमने फ्राइज इसके लिए तैयार कर ली हैं, बंद गोभी मायोनीज है ये हमारा ये वाइट सॉस है, और ये हमारी चिली गार्लिक सॉस है। ज़बरदस्त जिंगर बर्गर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको मैं अंदर से खोल के दिखा दूँ। मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।